الله الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا خالق الأرض والسماء مالك الملك والجزاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين मेरे नहायती काबिल सद एहतराम उलमाए किराम और सामीन हजरात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जैसा कि हम सब खलीफा सालिस सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में आपके बारगाह में हदियाए अकीदत के फूल छावर करने के लिए मिलकर यहाँ बैठे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उलमाए किराम से आपने बारहा सुना होगा कि सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते वाला सिफात आप सादिकून अल अव्वालून में से हैं और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कराबत और निस्बत क्या है कि रिश्ते में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बांझे लगते हैं। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मामू लगते हैं। समीन इकराम सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो हस्ती है कि जिन्हें कुछ ऐसी आज़मतें, जिन्हें कुछ ऐसी निस्बतें और जिन्हें कुछ ऐसी रिफ़अतें हासिल हैं जो इस सारी रुए ज़मीन पर किसी और इंसान को हासिल नहीं, कुछ ऐसी ख़ुसूसियात हासिल हैं इस रुए ज़मीन पर किसी और इंसान को वो आज़मतें, वो रिफ़अतें, वो ख़ुसूसियात, वो निस्बतें हासिल नहीं हैं। और उन निस्बतों में से, उन रिफ़अतों में से, उन आज़मतों में से एक ये भी है कि सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ाहरी शक्ल सूरत के हवाले से नबी अदुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा मुशाबे थे। बल्कि हदीस मुबारक में आता है कि जब आपकी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अक़द होने लगा, मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ मेरी बेटी, मैं तेरा निकाह उस हस्ती से करने जा रहा हूँ जो शक्ल और सूरत के एतबार से तेरे बाबा के बहुत ज्यादा मुशाबे। और मेरे आका ने यह भी फरमाया कि इस सारी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो हस्तियां, दो शख्स ऐसे पैदा फरमाए हैं जो तेरे बाबा की शक्ल सूरत के एतबार से बहुत ज्यादा करीब है। आपने पूछा अब्बा जान वो कौन है, तो मेरे आका ने फरमाया एक मेरे जद्दे आला सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जात है और दूसरी वो हस्ती है मेरी बेटी जिसका निकाह मैं तेरे साथ करने जा रहा हूँ, यानी सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। और बारगाहे नबी में मंजूर नजर होने का ये आलम है कि जब आपकी दूसरी बेटी का विसाल होता है सैयदना अली अल मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहहु अल करीम आप फरमाते हैं कि नबी अदुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे यहाँ 40 बेटियां भी होती
तुम्हें यके बाद दिगरे उस्मान के निकाह में दे। अरे ये वो निस्बत है जो सारी कायनात में सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन के अलावा किसी और को हासिल नहीं है। और फिर अल्लाह ने हुस्न भी अता फरमाया था, अल्लाह ने वो जमाल भी अता फरमाया था जो किसी और को हासिल नहीं था। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ चीज देकर भेजा कि जाओ मेरी बेटी को देकर आओ। जब आपके घर में जाते हैं और देखते हैं कि दोनों मियां बीवी इकट्ठे बैठे हुए हैं, उसामा बिन ज़ैद कभी सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन के चेहरे की तरफ देखते हैं और कभी नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की तरफ देखते हैं कि कितनी हसीन जोड़ी है। जब वापस लौटते हैं मेरे आका ने पूछा, उसामा क्या तुमने वहां कुछ देखा है? अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उन दोनों को ऐसी जोड़ी, ऐसी खूबसूरत जोड़ी देखी है कि कहीं और नहीं देखी। तो मेरे आका ने फरमाया, इस रूए जमीन पर, इस आसमान के नीचे, इस सूरज की आंख ने इससे कबल इतनी हसीन जोड़ी नहीं देखी। समीन इकराम, फिर आपने सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहावत के तज़किरे आपने पढ़े हो गए, सुने हो गए। मैं मुख्तसर से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। लश्कर जैशे उसरा के लिए जब नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे के लिए अपील फरमाई तो ये सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वो हस्ती है, कभी उठकर खड़े होते हैं 100 ऊंट का ऐलान फरमाते हैं, कभी फिर खड़े होते हैं 200 ऊंट का ऐलान फरमाते हैं, फिर खड़े होते हैं और 300 ऊंट का ऐलान फरमाते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं 600 ऊंट बाबा साधु समान पेश करूं। सुभान अल्लाह। मिरकात शरम मिशकात में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस पर कलाम फरमाया है। आपने फरमाया कि सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 600 ऊंटों का ऐलान फरमाया, लेकिन जब वापस जब गए वो माल लाने के लिए तो सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर क्या किया है? जब लाने के लिए गए तो 100 और शामिल किया है, फिर भी दिल नहीं भरा, फिर 100 और शामिल किया है, फिर भी दिल नहीं भरा, 100 और शामिल किया है। अरे सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत फिर भी ना आनी, फिर 50 और शामिल किए हैं, फिर भी दिल ना भरा, और फिर 50 और घोड़े शामिल किए हैं। 950 ऊंट और 50 घोड़े लेकर बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। और बाद रवायात में आता, सिर्फ नहीं यही नहीं बल्कि आपने 10,000 दिनार भी बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश फरमाए। सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु जहान करीम से किसी ने सवाल किया, किसी ने पूछा, क्या मौला कायनात ये तो बताइए कि कल कयामत के दिन सबसे पहले किसका हिसाब व किताब होगा, सबसे पहले किसका हिसाब व किताब होगा? तो मौला अली कायनात ने फरमाया कि सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का हिसाब होगा। अली मुर्तजा, फिर किसका होगा? फरमाया सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का हिसाब व किताब होगा। सामीन इकराम, हमारे लिए वैसे सबक है, सैयदना फारूक आजम की हस्ती वो हस्ती है जिनके बारे में मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया कि फारूक सैयदना अबू बकर सिद्दीक का ईमान एक तरफ, सारी कायनात का ईमान अगर दूसरी तरफ हो तो मेरे सिद्दीक का ईमान फिर बीमारी है। और सैयदना फारूक आजम के बारे में इरशाद फरमाया रजी अल्लाह तआला अन्हु, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात वाला सिफात। सुभान अल्लाह। अरे उनसे भी हिसाब किताब होगा और मैं और आप किस बात की मुली है? और फिर पूछा, फिर किसका होगा? मौलाए कायनात ने फरमाया कि तीसरे नंबर पर मेरा हिसाब किताब होगा, तीसरे नंबर पर मेरा हिसाब किताब होगा। पूछने वाले ने पूछा, सवाल करने वाले ने सवाल किया, क्या मौलाए कायनात, खिलाफत के एतबार से तो तीसरा नंबर सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन का है और हिसाब किताब के मामले में सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन कहां चले गए? खिलाफत के एतबार से तो तीसरा नंबर उनका,
हिसाब और किताब के एतबार से उनका नंबर कहां गया। मौलाए कायनात ने फरमाया कि मेरे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, मेरे रब के आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में सबसे पहले बगैर हिसाब और किताब के शख्स जन्नत में जाएगा वो सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ को। मौलाए कायनात ने यह भी फरमाया कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कब इरशाद फरमाया है। आपने फरमाया ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दराहीम और दरानीर के ढेर उठाकर बारगाह नबी में लाए तो अल्लाह के महबूब ने उनको जमीन पर नहीं रखा बल्कि उस्मान गनी के माल को अपनी गोद में अपनी झोली में ले लिया और अपनी झोली में लेकर अपने हाथ उसमें डालकर उनको उलट पुलट करने लगे और फिर आपकी निगाह आसमान की तरफ उठी। आसमान की तरफ निगाह उठाकर आपने अल्लाह की बारगाह में आखिरी बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि ऐ मौलाए कायनात, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे खालिक और मालिक, अगर क्यामत के दिन तू किसी से हिसाब लेना चाहे तो ले लेना, अगर तू आदम अलैहिस्सलाम से हिसाब और किताब लेना चाहे तो बेशक ले लेना, अगर नूह अलैहिस्सलाम से हिसाब और किताब लेना चाहे तो ले लेना, इब्राहिम खलीलुल्लाह से लेना चाहे तो ले लेना, मूसा कलीमुल्लाह से लेना चाहे तो ले लेना, ईसा रूहुल्लाह से लेना चाहे तो बेशक ले लेना, मुझ मुहम्मद से अगर तो हिसाब किताब लेना चाहे तो ले लेना, और मेरे यार गार अबू बकर से लेना चाहे तो ले लेना, फारूक आजम से लेना चाहे तो ले लेना, और मेरे दामाद मौलाए कायनात से लेना चाहे तो ले लेना। लेकिन ऐ मेरे रब्बे काबा, जहां तक बात रही उस्मान की तो ला तसाल अन उस्मान बाद हाजर यूम, ऐ मेरे रब्बे काबा तुझे मुझे मेरे मोहम्मद की इज्जत की कसम उस्मान से आज के बाद किसी किस्म का कोई हिसाब किताब नहीं। दुआ को है को मौलाए कायनात हमारे दिलों में सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की न सिर्फ मोहब्बत बल्कि हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाई।